नमस्कार, मैं भाविश गजपाल, लक्ष्य विद भाविश गजपाल और लक्ष्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑन मोड पे रखें ताकि जैसे ही कोई मैंने नया इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके, यूट्यूब उसको तुरंत सजेस्ट करेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी उपलब्ध कराता हूँ, जितनी भी वैकेंसी आती है और जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके, जैसे कि ये जेएसटी एम सहायक सम परीक्षा का हिंदी का प्रश्न पत्र है, इसको मैं अभी उपलब्ध कराऊंगा टेलीग्राम में इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो आज का ये जो प्रश्न पत्र है जेएसटी एम सहायक सम परीक्षा का, जिसका एग्जाम हुआ था 23 सितंबर 2018 को, 23/9/18 को, 200 अंक का प्रश्न पत्र था, 200 प्रश्न थे जिसमें से 100 प्रश्नों को आज मैं कवर कराऊंगा। इसके पहले मैंने जीएस के 50 प्रश्नों को कवर करा चुका है, वीडियो डाला हुआ है, साथ में पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में 50 प्रश्न का डाला हुआ है। अब ये जो 100 प्रश्न हिंदी के होंगे उसके भी प्रश्न पत्र मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डालूंगा, लक्ष्य विद भाविश गजपाल सर्च करके वहां पर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, ठीक है। कई बार लिंक काम नहीं करता तो सर्च करके आपको जुड़ना पड़ेगा। इसके अलावा संपरीक्षक की मेरी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जिसमें पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा आपको अभी, ठीक है। यदि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिएगा, क्लासेस से जुड़ने से संबंधित मैं जानकारी आपको उपलब्ध करा दूंगा, बहुत ही मिनिमम फी पर मैं क्लासेस उपलब्ध करा रहा हूं। पूरा सिलेबस, पूरा पीडीएफ नोट्स, बना बुनाया रिकॉर्डेड वीडियो आपको एक साथ दे दिए जाएंगे, क्लास ज्वाइन करेंगे 10 मिनट के अंदर आपको पूरे कॉन्टेंट दे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पत्र की ओर, चलिए प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हम ध्यान से देखते जाते हैं, ऐसा आजू बाजू आपको मैं पढ़ते जाऊंगा, नंबर पर ध्यान मत दीजिए, 101 102 इसके नीचे 103 है, फिर मेरे को बार बार स्लाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैं सीधा आजू बाजू के प्रश्न पढ़ते जाऊंगा जो मुझे एक स्क्रीन में दिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। चलिए बात करते हैं, निम्नलिखित स्वरों में से कंठ तालव्य स्वर क्या है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो इस प्रश्न पत्र में है सबको मैंने लगभग पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सबको अपने हिंदी के, अगर आप हिंदी के अलग से क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, हर एक प्रश्नों को आपका, हर एक प्रश्न इसमें का कवर होगा उसमें, ठीक है। कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य से निकलने वाला स्वर क्या है, तो ए। ये जो हाईलाइटेड आंसर है वो सीजी व्यापम के द्वारा संशोधित लिए हुए उत्तर है, मैं अपने से आंसर नहीं लगाया हूं, व्यापम ने जो उत्तर लिया है उसको मैं यहां पर बता रहा हूं, कृपया कमेंट बॉक्स में आकर विवाद ना करें, ठीक है। विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है, दंत, कंठ, ओष्ठ, तालु, तो कंठ से संबंधित है विसर्ग। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कौन सा, स्त्रीलिंग और संज्ञा शब्द, तो चील एक स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, क्या है, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। अपवाद में से है उल्लू, केचुआ, पक्षी, है ना, तो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है चील। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संज्ञा के ही नंबर, जेंडर और वचन बनते हैं, है ना, इसलिए संज्ञा शब्द ही होंगे। निम्नलिखित व्यंजनों में से अघोष, उष्ण एवं महाप्राण कौन सा है, तो श, पूरा इसका अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है, अल्पप्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, ठीक है। ये सभी मैंने अपने क्लासेस में डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो श, द, म, ब नहीं है, श, 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 ह, जिससे उष्मा गले से बाहर निकलती है और हमको संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसको उष्मी या संघर्षी व्यंजन कहते हैं श को। और ये अघोष भी है और अल्प महाप्राण है, मतलब ज्यादा प्राणवायु आपको आवश्यकता होती है, और अघोष मतलब घोषत्व नहीं होता, कंपन नहीं होता स्वर यंत्रियों में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है, आ, ए, ऋषि, उपयुक्त सभी, तो ऋषि लघु स्वर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का गलत जोड़ा कौन सा युग्म है, तो लाला ललाइन, शुक्ल शुक्लाइन, बाघ बाघिन, मामा मुमानी, है ना, तो ये शुक्ल शुक्लाइन। एक वचन बहुवचन का गलत जोड़ा कौन सा है, ये आपको हिंदी में भी मुख्य रूप से मिलेगा, वचन में इसको हिंदी में भी पढ़ाया हूं, साला सालाए, बुढ़िया बुढ़िया, राजा राजाए, रानी रानिया, तो साला और सालाएं ये गलत जोड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलिए निम्नलिखित वाक्यों में से सामान्य भविष्यत काल सूचक वाक्य का चयन कीजिए, है ना, भविष्यकाल सूचक वाक्य को आपको देखना है
उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा, हम यह किसको दें, ईश्वर आपकी बढ़ती करें, अब मैं क्या करूं। तो उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा, ये सामान्य भविष्यत काल सूचक वाक्य है। काला घोड़ा शब्द में काला विशेषण संज्ञा की व्याप्ति को क्या करता है ना, तो क्या बता रहा है, ये मर्यादित कर रहा है, तथस्थ विस्तारित मर्यादित कुछ नहीं तो मर्यादित कर रहा है, ठीक है, कि घोड़ा घोड़ा जो है वो काला है। आगे अगला जो प्रश्न है, अगर वह आता हुआ तो क्या होगा, वाक्य में कौन सा काल है, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो संभाव्य, यहां पर संभावना जताई जा रही है, अगर वहां आता हुआ तो क्या होगा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण एडवर्ब शब्दों में स्थानीय क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ, स्थानीय, ठीक है, तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, हिंदी की पुस्तकें धड़ाधड़ बिकती हैं, उसने ऐसा अनजाने ही किया होगा, तुम फिर आओगे, तो तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, मतलब जरूर ही करोगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो दासत्व, बड़प्पन, धैर्य, सजावट, ठीक, आवट आपका क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है, सजावट, ठीक है। गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है, अब यही भाव, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तो कर्मधारय समास है, संधि और समास को अच्छे से देता है गुरु भाई, और विस्तार से पढ़ाया हुआ हूं। अगला, गुरु ने शिष्य को पोथी दी, इस वाक्य में शिष्य तथा पोथी क्रमशः क्या है, तो गौण कर्म और मुख्य कर्म है ये, गौण मतलब सहायक और मुख्य मतलब मेन, ठीक है, गौण ऑब्जेक्ट और मेन ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित सामासिक शब्दों में से अधिकरण तत्पुरुष का चयन कीजिए, अमचूर, मन माना, दस्तकारी, कानाफूसी, तो कानाफूसी आया हुआ था एक दो प्रश्न पत्रों में और आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, सामासिक शब्द नील पीत कर्मधारय समास के किस भेद के अंतर्गत है, कर्मधारय समास के भी भेद, तो नॉर्मल बुक्स में केवल समास छपा रहता है, उसके भेद नहीं, मैं भेदों को भी पढ़ाया हूं। विशेषण पूर्व पद, विश्लेषणोत्तर पद, विश्लेषणोमय पद, विशेष्य पूर्ण पद, तो विशेषणोमय पद ये इसका आंसर होगा, नील पीत में, नीला पीत, पीला। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास है, दिया बत्ती, तन मन धन, पाप पुण्य, घास फूस, पाप और पुण्य, या तो पाप होगा या तो पुण्य होगा, दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये वैकल्पिक द्वंद्व है, आपको दोनों में से एक बार में एक चुनना पड़ता है, वैकल्प द्वंद्व, द्वंद्व मतलब एक दूसरे में टकराव, या तो पाप या तो पुण्य, ठीक है। आगे, हिंदी में पश्च स्वर है तो ऊ और ओ को पश्च स्वर की संज्ञा दी गई है, कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, ये आपको मिलेगा विशेष पुस्तकों में, तो स्वरों के दो भेद हैं कौवे की स्थिति के आधार पर, सही छपा है, कौवे की स्थिति के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं। चलिए बात करते हैं आगे, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तीन, चार, दो, पांच, मूल स्वर है चार, ठीक है। अवरोधी व्यंजन में हवा तीव्र गति से निकलती है, हवा मंद गति से निकलती है, हवा रुक जाती है, उपयुक्त सवे, हवा रुक जाती है। अगला, अघोष अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए, तो का अघोष और अल्पप्राण है, ठीक है। अगला, किसी भी भाषा में वर्तनी की एकरूपता स्थिर की जाती है, ध्वनियों की सुंदरता के लिए, ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए, यही इसका आंसर होगा, ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए किसी भी भाषा में वर्तनी की एकरूपता स्थिर की जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्नों की, लिंग कहते हैं, किसे कहते हैं, शब्द की जाति को लिंग कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से
वाक्य में हुआ है? आप मेरे सिर आंखों पर हैं, आप भला तो जग भला, तो निजवाचक आप भला तो जग भला, मतलब आप सही सलामत हो तो सब सही है। ठीक है, अगला, हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? एक, दो, तीन, चार। दो प्रकार है, हर एक बुक में अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा, कौन से बुक से उठाया है आपको समझना पड़ेगा, और ये नोट्स में मिलता है। हिंदी में वचन के दो प्रकार हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विशेषण रहित है? तो वह तुमसे बढ़कर है, ये विशेषण रहित है। आगे बात करते हैं, सीता पढ़ रही होगी, इस वाक्य में वर्तमान काल का उपभेद है, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। तो संदिग्ध वर्तमान आएगा इसमें। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की धातु होती हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से। विद्यार्थी कक्षा से निकलते हैं या भूतकाल के किस रूप का उदाहरण है? ठीक है, तो आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, अगला, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ संक्षेप होता है। आगे बात करते हैं, संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है, लिंग वचन परसर्ग के कारण। ठीक है, हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है? संस्कृत व्याकरण के आधार पर समास का अनुशीलन जो है। ठीक है, आगे बात करते हैं, द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो द्वंद्व समास के तीन भेद हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, यदि विसर्ग के पहले अम हो और बाद में क, ख, प, फ में से कोई वर्ण हो तो क्या होगा? तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, विसर्ग लगाने के नियम में आएगा ये। लेन देन कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद। ठीक है, जैसे कि द्वंद समास के तीन भेद हैं, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। तो इतरेतर द्वंद में से लेन देन आएगा, एक के बाद एक लेनी देनी, इतरेतर बोलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो व्यावसायिक सही है, वर्तनी शुद्ध करो, बहुत सारा पढ़ाया हूं एकदम पॉइंट टू पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, महर्षि का सही संधि विच्छेद कहाँ क्या है? तो महाधन ऋषि, महर्षि। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, हथिनी, हाथिनी के बच्चों का झुंड जा रहा है, तो हथिनी नहीं होगा, हथिनी होगा, क्या होगा? हथिनी होगा। अगला, पावक का सही संधि विच्छेद चुनिए, पौधन अख, पौधन पावक। ठीक है, आगे देखते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, दीर्घ गुणों में वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि, कोडिंग है, दीर्घ गुणों में वृद्धि यण अयादि। निम्नलिखित में से किस संधि की वर्तनी सही है? अनुगृहित, तो गृहित होता है, ग्रहित नहीं होता, अनुगृहित होता है, गृहित। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये देखो, पेटेंट क्वेश्चन, व्यापम का पेटेंट कराया हुआ व्यापम इसने, उज्जवल, दो बार आधा जा वाले को आंख बंद करके सही मानना, इतने बार आया, 100 प्रकार के पेपरों में आ चुका है उज्जवल, वर्तनी शब्द, सही वर्तनी वाला शब्द। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, घोड़े घोड़े घोड़ा के पानी पिलाओ, घोड़ा के पानी पिलाओ, तो घोड़ा घोड़े को पानी पिलाओ होगा, घोड़ा के पानी पिलाओ नहीं होगा, घोड़े को पानी पिलाओ होगा, बोलने में अटपटा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, पाठक का स्त्रीलिंग रूप है, तो पाठिका, पाठिकी, पाठिका, पाठकिन, पाठक का, पाठिका होगा। भारत शब्द संज्ञा के निम्नलिखित में से किस प्रकार को बतलाता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम है भारत। ठीक है, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। जाति और व्यक्ति में लोग कंफ्यूज होते हैं, व्यक्तिवाचक आएगा। आगे बढ़ते हैं, मिठाई शब्द का एक वचन से बहुवचन रूप है मिठाइयां। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग कीजिए,
सोचता हूं कि हम इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं है, हम लिख दिया है, तो सोचता सोचता है कि मैं इस दुनिया में रहने योग्य नहीं है, ये इसका सही प्रयोग है। सोचता है कि, सोचता हूं कि मैं इस दुनिया में रहने योग्य नहीं हूं, ठीक है, आंसर लिया गया सोचता है कि मैं इस दुनिया में रहने योग्य नहीं है, लेकिन वास्तव में ये जो विवादित प्रश्न है इसका आंसर होना चाहिए सोचता हूं कि मैं इस दुनिया में रहने योग्य नहीं हूं, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में काल संबंधी शुद्धिकरण कीजिए, काल संबंधी अशुद्धि कौन सा है, उसने खाना खाया है, वह खाना खाया है, नहीं होगा उसने खाना खाया है होगा, ये शुद्ध है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, कई सारे प्रश्न टफ है, कई सारे प्रश्न एकदम सरल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कठोरता, मधुरता, शीतलता, सुंदर, सुंदर एक विशेषण है, विशेषता बताता है। निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास को पहचानिए, नील कमल, चंद्रशेखर, दीनानाथ, रामानुज, चंद्रशेखर, तीसरे पद की प्रधानता हो। निम्नलिखित में से हथियाना क्रिया का प्रकार चुनिए, नाम धातु, सकर्मक, अकर्मक, समापिका, नाम धातु क्रिया, हथियाना, आना और वाना लगाकर बनाते हैं। नील गाय शब्द का समास विग्रह है, नील गाय शब्द का समास विग्रह है, नीली है जिसकी गाय, नीली है जो गाय, तो यही होगा, नीली है जो गाय उसे बोलेंगे नील गाय, है जो जब शब्द लगेगा तो आपका बन जाता है कर्मधारय समास। अगला, चार पाई में कौन सा समास है, तो द्विगु, चार है पाई जिसके, संख्यावाचक। अगला, सूर्योदय शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है, तो गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि का, सूर्य, धन, उदय, सूर्योदय, ठीक है। घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो संबंध तत्पुरुष, घुड़दौड़, घोड़े का दौड़, काके की, है ना, संबंध। स्वागत शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है, यन स्वर संधि, सुधन आगत, ठीक है, सुधन आगत, स्वागत। अगला, वसुधैव का संधि विच्छेद, वसुधा धन एव, ये सही है, वसुधा धन एव, आ धन ए मिलाकर ए हो जाते हैं, आ की मात्रा धन एणी का ए बराबर ए हो जाना, बड़ा ए हो जाना। अधो गति शब्द का संधि विच्छेद, अधा धन गति, देखिए अधा धन गति हो तो अधो गति, अपवादों में आता है ये। महादेवी विद्वान महिला थी, तो विदुषी महिला आएगी, जाहिर सी बात है महिलाओं के लिए विदुषी शब्द यूज करते हैं। निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए, धुआं, ये सही लिखा है, निरोग, नाराज, उपयुक्त में से कोई नहीं, सही शब्द चुनिए। निरोग और नीरज ये जो है आपका विसर्ग संधि में जब आप पढ़ेंगे तो अपवादों में मिलते हैं, बड़ी की मात्रा लग जाती है, याद रखिएगा, देखिएगा उसमें संधि में, विसर्ग स्वर संधि में हो मिलेगा, अपवाद में मिलेगा ये निरोग वाला शब्द। आगे देखते हैं, पूजनी शुद्ध का शुद्ध रूप है, पूजनी होता है, पूजनी नहीं होता, शुद्ध शुद्ध में पढ़ाया हुआ हूं, मेरे नोट्स में है ये उपलब्ध। तत्सम शब्द कहते हैं, संस्कृत शब्द को तत्सम कहते हैं। ₹100 सधन्यवाद प्राप्त हुए वाक्य का शुद्ध रूप है, ₹100 प्राप्त हुए धन्यवाद ऐसा कहा जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, आग, हरिद्रा, चक्षु, उपयुक्त में से कोई नहीं, आग, ठीक है, हरिद्रा, हल्दी, चक्षु, नयन, तो तद्भव, तत्सम मतलब संस्कृत के समान शुद्ध, तद्भव उससे उद्भव, तो आग उससे उद्भव है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए, उटपटांग, ट ठ ड वाले रोटी, है ना, ये ट ठ ड वाले अधिकतर देशज शब्द होते हैं, डबल रोटी, ये डबल और रोटी दोनों मिलाया हुआ है, मिक्स वाला है, रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश गाड़ी, है ना, मिक्स है ये भी, उटपटांग क्या है, देशज शब्द है।
निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? अनार, पंकज, विशाल, उपयुक्त में से कोई? अनार, अलमीरा, अनार है ना। अंबर का अनिकार्ती है आकाश, वेद, गज, उपयुक्त में से कोई? आकाश, अंबर है ना। लक्ष्मी, बिजली, पिपली, वर्णवृत्त के लिए एक शब्द है चंचला। बिजली को बोलते हैं, विद्युत को, ठीक है, पढ़ाया वो हूं पर्यायवाची में। अगला, भानु का पर्यायवाची, सूर्य को बोलते हैं भानु। चलिए अब हम बात करते हैं वाणी सरस्वती जिव्या के लिए एक शब्द है ना। तो वाणी सरस्वती जिव्या के लिए माता, जगत जननी, दात्री, उपयुक्त में से कोई नहीं? उसका होता है गिरा, एक शब्द, ठीक है। उसी प्रकार ब्रह्मा, कमल, अमृत, केस के लिए एक शब्द, कुल, वलय, दृश्य, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सिर के बाल, कंज जिसे बोलते हैं, कंज, सिर के बाल, तो उसे ब्रह्मा, कमल, अमृत, केश कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत कठिन तपस्या करना, बहुत अधिक दुख, उपयुक्त में से कोई? बहुत कठिन, अग्नि परीक्षा। गाल बजाना का अर्थ क्या है? इसको भी पढ़ाया हूं, टिम टम करना को भी शामिल किया हूं अपने वाक्यों के मुहावरे के अर्थ में, है ना। तो अधिक बोलना, बहुत अधिक चिल्लाना, बढ़ चढ़ कर बातें करना, यही है गाल बजाना। टिम टम करना का अर्थ क्या होता है? नकल उतारना, घोड़े पर बैठना, शैतानी करना, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो टिम टाम करना का अर्थ है, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात दिखावटी शान शौकत, दिखावटी शान शौकत को हमें टिम टाम करना कहते हैं। इसी प्रकार पौ बारह होना का अर्थ क्या है? सुबह होना, लाभ होना, हानि होना, उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। अत्यधिक धन कमाना, पौ बारह होना, या अधिक धन कमाना, इसका अर्थ होता है पौ बारह होना। अत्यधिक लाभ हो गया, बहुत ज्यादा लाभ हो गया, या बहुत ज्यादा धन इकट्ठा हो गया, तो उसे बोलेंगे पौ बारह होना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, घी के दिए जलाना, प्रसन्नता प्रकट करना, झुंड, मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है? तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, देखिए कितना सारा शब्द दिया है। ऊंची दुकान, फीकी पकवान का अर्थ क्या है? केवल बाहरी आडंबर होना। निम्नलिखित में से किस वाक्य के क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो वह पढ़ने वाला है, ये भूतकाल में नहीं है। वह पढ़ रहा था थे थी लगाए मतलब भूतकाल में, ये वह पढ़ने वाला है लगाए मतलब ये भूतकाल में नहीं है। सिंपल सा, कई बार बहुत सारे प्रश्न दे देता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, राम एक फूलों की माला बाजार से लाया, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। राम फूलों की एक माला बाजार से लाया, एक फूलों की माला नहीं, राम फूलों की एक माला बाजार से लाया। माला एक होगा, एक फूल नहीं होगा, ठीक है, एक फूलों की माला नहीं बनेगी। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? 6 है हिंदी में सर्वनाम की संख्या। सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप है, सौंदर्य लिखा है, औ की मात्रा आएगा, सौंदर्य होगा, सौ में औ की मात्रा। निम्नलिखित में से वायु का पर्यायवाची, अनिल, अनल, अग्नि का, अनिल, वायु का। अपठित शब्द का अर्थ है जो पढ़ा हुआ ना हो, अपठित। फूल का पर्यायवाची नहीं है मुकुल, पुष्प, कुसुम, प्रशुन फूल का है, मुकुल नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, अब तुम जाना, अब तुम जाने, अब तुम जाओ ही होगा, सरल है, पढ़ के ही समझ आता है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है, औरत एक विदेशी शब्द है, ठीक है। सभी शब्दों को विशेषी, अरबी, तुर्की, फारसी, देशज, विदेशज, सबको अच्छे से पढ़ाया हुआ हूं। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, परिभाषा को उठा के पूछ दिया है। महावट शब्द का तात्पर्य है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को महावट कहते हैं, क्या कहते हैं? महावट कहते हैं। अंतिम स्लाइड, अंतिम प्रश्न, प्रश्नों को देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है रेगिस्तान, जाति को बताता है। राम आम खाता है वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो राम सब्जेक्ट है, करता है, ठीक है, खाना क्रिया है, आम ऑब्जेक्ट है, कर्म है। अंग्रेजों के समान, सॉरी, अंग्रेजों के शासन में भारतीय कवि सुख की सांस
ना ले सके के लिए सत्य है, ठीक है। ऊंची दुकान फीका पकवान, पराधीन सपने हूं सुख नाही, यही वाला है। पर के दिन में सपने देखोगे लेकिन सुख नहीं मिलेगा। वाक्य होता है पदों का समूह, पहला ही जब पाठ वर्णमाला पढ़ाता हूं, हिंदी चालू करता हूं, यही पढ़ाता हूं, वाक्य पदों का समूह है। चलिए बात करते हैं आगे। धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चल सकती क्योंकि झूठ के पांव कहाँ, ये इसका सही है। वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य के दो भेद हैं। कितने भेद, दो भेद। जो किसी को दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। वाक्य की न्यूनतम इकाई, वर्णमाला में पहले ही पढ़ोगे, वाक्य की न्यूनतम इकाई ध्वनि या वर्ण है। क्या है, वर्ण, ध्वनि या वर्ण, ठीक है, न्यूनतम इकाई। तो इस प्रकार ये 100 क्वेश्चन जो है संपरीक्षक भर्ती परीक्षा के 2018 के यहाँ पर समाप्त होते हैं। यदि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको डिटेल्स वहां पर उपलब्ध करा दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।